दर्शकों को बता दें पटना से बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में कुल चार एजेंडे पर मोहर लगी। अब ये एजेंडे क्या है वो भी हम आपको जानकारी दे दें। 5 फरवरी से बजट सत्र जो पहले की सरकार में तय किया गया था वो सत्र नहीं होगा, बजट सत्र की तारीख अब आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि 5 फरवरी को जो बजट सत्र पहले से घोषित था वो नहीं होने वाला है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, चार एजेंडों पर इस बैठक में मोहर लगाई गई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बजट सत्र को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि 5 फरवरी से बजट सत्र नहीं शुरू होने वाला है, इसकी तारीख को फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तारीख की जानकारी इस वक्त सामने नहीं है कि आखिर वो तारीख कौन सी होगी जब बजट सत्र आहूत किया जाएगा, उस वक्त बजट सत्र में सभी शामिल होते नजर आएंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी कि इस वक्त कुल चार एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट में, इस नई सरकार में, एनडीए की सरकार में जब बजट सत्र को लेकर जानकारी है वो फिलहाल यही आती हुई कि तारीख का ऐलान किया जाएगा वो भी बाद में। तो अब ये बैठक खत्म हो चुकी है, बजट सत्र से पहले नीतीश की तरफ से ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इस बैठक को लेकर अब ये बात सामने आती हुई कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां जो है उस पर चर्चा जो है वो इस बैठक में जरूर की गई होगी। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जिन चार एजेंडों पर मोहर लगाई गई है उन एजेंडों की गंभीरता को समझते हुए फिलहाल ये फैसला इस वक्त लिया गया है।